नमः शिवाय। भक्तों, आज मैं आपको दिखाती हूँ दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर, जहाँ मूर्ति में सूर्य ने पहने जूते। पांडवों ने यहाँ बनवाया शिव मंदिर। 52 घाटों से सजी पवित्र झील और ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए पुष्कर पूरे संसार में प्रसिद्ध है। सैकड़ों मंदिरों की घंटियाँ शाम के समय यहाँ एक साथ बजती हैं। शहर का पवित्र वातावरण गुंजायमान हो उठता है। धार्मिक नगरी के नाम से पहचान रखने वाला पुष्कर गुलाब के फूलों, गुलाब के इत्र की महक के साथ गुलकंद का स्वाद भी पूरे संसार में लोगों तक पहुँचाता है। 12वीं शताब्दी के राजा अन्नाजी चौहान ने भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह को समर्पित कर यह मंदिर बनवाया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस धरती को जल की गहराई में ले गया, जहां से वराह ने उसे बचाया था। ब्रह्मा मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर बना है। माँ सावित्री ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। ये सब कहानियाँ मुझे यहाँ आकर यहाँ के लोकल लोगों से सुनने को मिल रही हैं। इनके साथ चाय पीते बतियाते मैं ये सब कहानियाँ सुन रही हूँ और आपको सुना रही हूँ। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। इससे नाराज होकर उनकी पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें शाप दिया, जिस कारण पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है जो राजस्थान पुष्कर में है। यहाँ के लोगों से जानने को मिला कि देवी एकादशी को समर्पित इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। पुष्कर के उत्तरी भाग में स्थित ये मंदिर पुष्कर के मुकुट में मोती के समान है। यह राजस्थान के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। संगमरमर से बना ये मंदिर चांदी के सिक्कों से जड़ा है। यहाँ ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति भी है, जो एक प्रहरी की तरह खड़ी है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि भगवान सूर्य जूते पहने हुए हैं। मंदिर में आसपास घूमकर अगर आपको इस मंदिर का पूरा नज़ारा ना दिखाया तो आपको पुष्कर मंदिर की सैर ही क्या कराई। लेकिन आपको घर बैठे बैठे पुष्कर के इस ब्रह्मा जी के खूबसूरत मंदिर की सैर तो मैं आपको कराऊंगी ही, साथ में ब्रह्मा जी का दर्शन भी करा रही हूँ, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल से करा पाई। ब्रह्मा जी का ये मंदिर 2000 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील में एक कमल का फूल गिराया और पुष्कर शहर अस्तित्व में आया। तब से पुष्कर ब्रह्मा के कई घरों में से एक बन गया। अन्य हिंदू देवताओं की तुलना में पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी के केवल 5 ऐतिहासिक मंदिर हैं और सबसे महत्वपूर्ण यही मंदिर है जो पुष्कर में है। यहाँ के लोगों ने बताया कि 14वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्थानीय शासकों और उनके शिष्यों ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। इसे राजस्थान के कमल के फूल के रूप में भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, पुष्कर हिंदू भक्तों के 5 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यही कारण है कि यहाँ पर हिंदू भक्त काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। ये सब बातें और कहानियाँ मुझे यहाँ आसपास के लोगों से पता लगी। कुछ नीचे फूल और प्रसाद बेचने वाले भैया ने बताई और कुछ यहाँ पर मालपुड़े जलेबी बेचने वाले भैया ने बताई। कुछ यहाँ पर चाय बनाते कबीले वालों ने बताई और कुछ यहाँ पर ऊँट का सौदा करने आए ऊँट के व्यापारियों ने बताई। आपको मालूम है पुष्कर में सबसे बड़ा ऊँट मेला लगता है। ये बात भी मुझे यहाँ पर फूल वाले भैया बता रहे हैं। रास्ते में बहुत से ऊँट दिखाई दिए थे और व्यापारी दिखाई दिए थे, उनसे बातें हुई थी। Thank you.
की जय हो। और यहाँ पर बाबा जी हैं और ये गौ माता का पांचवा पांव है। आप इनको फोकस करके दिखाइए, ये पांचवा पांव है और ये गौ माता को चुनरी उड़ा रखी है और ये गौ माता आशीर्वाद देती है। गौ माता की जय हो। ये स्पेशल मिठाई होती है पुष्कर की, कह रहे हैं इसको सोन हलवा बोलते हैं। यहाँ पर मेरी सहेली खा रही है कंचन, खाकर बताइए कैसी है ये मिठाई। मीठी है? हाँ, हलवा मीठी है, बहुत टेस्टी है। आप बताइए मिठाई कैसी है? बहुत अच्छी है, यामी, यामी, बहुत अच्छी है। आप इसको खाने के लिए दोबारा पुष्कर आना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए आपने मिठाई ली? बहुत है, ये भी ले रही हूँ, ये भी ले रही हूँ। ये दोनों मिठाइयाँ ले रहे हैं आप? आधा किलो ये कर दिया। तो आपने इसको चक्कर देखा? आधा किलो। आपने चक्कर देखा, कैसी लगी मिठाई? बहुत अच्छी। मिठाई लेंगे, पहले दर्शन करेंगे फिर मिठाई लेंगे। आपने ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए? बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। क्या क्या बोलते हैं इसको? सोन हलवा। सोन हलवा बोलते हैं इसको। और ये मीठी है, भैया कह रहे हैं कि खाकर देखो आप, इसका भोग लगाकर देखो। तो मैं जरूर खा रही हूँ क्योंकि सखियों ने ये ली है और इनको बहुत पसंद आई है और मैं भी खा रही हूँ। और वाकई में बहुत मीठी है, जैसे पुष्कर के लोग मीठे हैं यहाँ के लोगों से भी मीठी यहाँ की मिठाई है। जय हो ब्रह्मा जी की। पुष्कर सरोवर के चारों ओर कुल 52 घाट बने हुए हैं। इन सभी 52 घाटों का अपना अपना धार्मिक और पौराणिक महत्व है। इनमें गऊ घाट, ब्रह्म घाट, वराह घाट, बद्री घाट, सप्तऋषि घाट, तरणी घाट और भी अन्य बहुत सारे घाट शामिल हैं। पुष्कर में विभिन्न राजघरानों की ओर से यहाँ घाटों का निर्माण कराया गया। इनमें ग्वालियर घाट, जोधपुर घाट, कोटा घाट, भरतपुर घाट, जयपुर घाट भी शामिल हैं। और यहाँ पर है पुष्कर सरोवर। तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर को सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न हो जाती है। अर्ध गोलाकार रूप में लगभग 10 मीटर गहरी यह झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है। तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पवित्र स्थान के लिए यहाँ पर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर जब पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है तब यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। माना जाता है कि पवित्र झील में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। झील परिसर के आसपास 500 से अधिक हिंदू मंदिर स्थित हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन तीर्थ गुरु के रूप में किया गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आपने चारों धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका के दर्शन कर लिए लेकिन आप पुष्कर के दर्शन नहीं कर पाए तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। ऐसे में पुष्कर का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों से पता लगा कि पुष्कर झील का इतिहास 4th शताब्दी ईसा पूर्व से है। हालांकि पुष्कर झील का सृजन कृत्रिम झील के रूप में 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था जब लूनी नदी के ऊपर बांध बनाया गया था। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र भाषण दिया था। अंबर, बूंदी, बीकानेर और जैसलमेर के राजपूत शासकों ने झील और उसके आसपास के मंदिरों के महत्व को बहाल करने के लिए बहुत मेहनत की। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के कई राजाओं ने झील पर घाटों का निर्माण किया। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पुष्कर ऊंट मेला यानी कैमल फेयर लगता है। एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है जो प्रबोधिनी एकादशी को शुरू होता है, जो 11वें चंद्रमा के दिन उज्जवल पखवाड़े में और कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक के महीने में अक्टूबर नवंबर में पूर्ण चंद्रमा के दिन समाप्त होता है। इस समय के दौरान झील पर बहुत भीड़ हो जाती है क्योंकि ये कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करना बहुत आनंदमय है, सभी पाप धुल जाएंगे और त्वचा रोग ठीक हो जाएंगे। इसलिए अगर आप यहाँ पर आते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत भीड़ मिलने वाली है, इसलिए सोच समझ कर ही आएँ, नहीं तो इसके आगे पीछे आएँ। आप पुष्कर झील, पुष्कर मंदिर, ब्रह्मा जी के मंदिर तक कैसे पहुँचें? अगर आप सड़क मार्ग से आते हैं तो पुष्कर शहर के केंद्र में स्थित है। यहाँ अजमेर से टैक्सी या बस लेकर आसानी से पहुँचा जा सकता है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो अजमेर का रेलवे स्टेशन ही सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो निकटतम एयरपोर्ट
जयपुर एयरपोर्ट है। इस समय मैं हूँ पुष्कर जी में और पुष्कर में सरोवर में स्नान किया है और मेरे साथ यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से कुछ बहनें, जी हाँ ये सारी बहनें चित्तौड़गढ़ से आई हैं। आप इनकी रंग रूप वेशभूषा देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ों की नगरी रही है, जो राजा महाराजाओं की नगरी रही है, और इन सबको देख कर लग ही रहा होगा कि ये मेवाड़ की रानियां हैं, राजपूतानियां हैं। इनसे ही हमारे देश की शान है, नारी शक्ति है और मेवाड़ की शान, राजस्थान की नारी जिंदाबाद। और पुष्कर सरोवर में ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेने के लिए आई है। आप सबने ब्रह्मा जी के दर्शन किए? कैसे रहे थे? अच्छे, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। तो आप सीधे चित्तौड़ से आए हैं? कितने दिन के लिए आए हैं? तो आज कौन सा दिन है आपका? तो अभी दो दिन और रहेंगे। तो आपको कैसी लगी पुष्कर नगरी? पुष्कर नगरी में आकर आपको ऐसा लगा ब्रह्मा जी आपके साथ हैं? ब्रह्मा जी के दर्शन अच्छे से करें। दोबारा पुष्कर कौन कौन आना चाहेगा? सभी पुष्कर दोबारा आना चाहते हैं ब्रह्मा जी की नगरी में। आप सबका स्वागत है। आप सब बहनों की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, ब्रह्मा जी के भक्तों की जय हो। पुष्कर सरोवर में स्नान कर लिया, ब्रह्मा जी के दर्शन भी कर लिए, आसपास के लोगों से यहाँ की कहानियाँ भी सुन ली। चलिए अब आपको दिखाती हूँ खूबसूरत पुष्कर शहर और मिलाती हूँ यहाँ के आसपास के लोगों से, ताकि आप भी जानें खूबसूरत पुष्कर के बारे में और भी बहुत सी ऐसी जानकारी जो शायद आप नहीं जानते होंगे। क्योंकि ये शहर राजस्थान में है, इसलिए बहुत ही रंगीन और कलरफुल है। मंदिर के आसपास और मंदिरों की तरह फूल बेचे जा रहे हैं, प्रसाद बेचा जा रहा है और इस तरह का कुछ रंगीन सा माहौल है। इस समय हूँ पुष्कर जी में, ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने आई हूँ और ये यहाँ पर सेवा कर रहे हैं फूल देने के लिए, ताकि हम पूजा कर सके। तो बहुत बड़ी सेवा है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आए हुए हैं। आसपास के लोग भी ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं। भीड़ भाड़ है, आसपास ऊंट भी दिख रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ऊंट मेला ख़त्म हुआ है। थैंक गॉड हम सही समय पर आए हैं, वरना तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। यहाँ पर आए तो अपने मन को प्रसन्न करने के लिए यहाँ का खाना पीना जरूर खाएं। यहाँ की लस्सी पीजिए, मालपुए और जलेबी खाइए। गर्मा गर्म जलेबी का स्वाद बेहतरीन है यहाँ का, और हर दुकान पर मालपुए मिल जाएंगे। यहाँ पर इस तरह की आपको छड़ियाँ मिलेंगी, छड़ियाँ बनते हुए भी आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि मेवाड़ के राजा महाराजाओं की नगरी रही है ना। और यहाँ पर दाल बाटी और चूल्हे की रोटी, आह अगर आपने ये ना खाई तो आपने क्या ही खाया। पुष्कर का स्वाद यहाँ की सौंधी सौंधी लकड़ी के आग में सिकी परांठे और रोटी खाने में है। साथ ही यहाँ की मिठाई मैंने तो जी भर कर खाई। आइए आपको भी खिलाती हूँ और इसका स्वाद चखाती हूँ। सुबह सुबह देसी घी लगाकर चूल्हे की आग में गरम गरम परांठे सेके जा रहे हैं। 40 रुपये का एक परांठा है, साथ में सब्जी अचार और प्याज। आह स्वाद आया ना, धुएं से तो जी धुआं धुआं हो रहा होगा, जलेसी हो रही होगी मुझे देखकर कि मैं यहाँ पर गर्मा गर्म परांठे खा रही हूँ, चूल्हे की आग में सिके हुए परांठे। आह लेकिन आपको दिखा भी तो रही हूँ, आपकी भूख भड़का रही हूँ। आ जाइए पुष्कर और लीजिए स्वाद इन बेहतरीन परांठों का। यहाँ पर कचौड़ियाँ बनाई जा रही हैं, राजस्थान की मशहूर कचौड़ियाँ। कचौड़ियों में भरा क्या है भैया? मसालादार कचौड़ियाँ ही हैं। प्याज भरा इसमें? प्याज की कचौड़ियाँ, यहाँ की प्याज की कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो अगर पुष्कर जी आए तो प्याज की कचौड़ियाँ जरूर खाइएगा। नाम है दुकान का राधा सर्वेश्वर मिष्ठान भंडार। ये रबड़ी के मालपुए होते हैं देसी घी के, ये पुष्कर की फेमस मिठाई है। अच्छा, जो भी पुष्कर में आता है एक बार वो मालपुए जरूर खाया जाता है। जब भी पुष्कर आओ तो मालपुआ जरूर खाना। मालपुआ जो है पुष्कर की पहचान है। पुष्कर में हूँ इस समय राजस्थान में, और यहाँ पर मीठा बहुत खाते हैं लोग, शायद इसीलिए यहाँ के लोग बहुत मीठे होते हैं। यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म जलेबियाँ, और कुछ बताना चाहेंगे इन जलेबियों की खासियत क्या है? जलेबी एक या राजस्थान की पहचान मिठाई है। सबसे जो पहले पुराने जमाने में जो मिठाई होती थी वो जलेबी होती थी, और आज भी जलेबी का क्रेज बहुत ज़्यादा है। हर आदमी जलेबी, एक आदमी आधा किलो जलेबी तो यहाँ का खा ही जाता है। आधा किलो जलेबी एक आदमी खा जाता है? बिल्कुल जी मैडम, बहुत बड़ी बात है।
और जलेबियाँ आप देख रहे हैं क्वालिटी कितनी अच्छी है, एकदम बारीक पतली पतली जलेबियाँ हैं। तो ये सच ही कह रहे होंगे क्योंकि इतनी पतली जलेबियों में कम रसा होता है और ये आसानी से खाई जा सकती है। बहुत करारी और बहुत सुंदर जलेबियाँ लग रही हैं। तो पुष्कर में जब आएँ तो जलेबियाँ ज़रूर खाएँ और राधा सर्वेश्वर मिष्ठान भंडार की जलेबियाँ। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी तो भैया ने मुझे पानी दिया, तो ये भी चरणामृत के समान है। वहाँ पर इस तरह तलवारें मिल रही हैं जो कि राजा महाराजाओं की शान हुआ करते हैं। तलवारों के बिना तो आप शायद राजस्थान की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेवाड़ राजस्थान, यहाँ पर पुरुष जितने ज़्यादा बलवान और शक्तिशाली थे, महिलाएं भी शतरानी थी और उनका जौहर की बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी और देखी होंगी। मैं यहाँ पर शतरानियों से मिली, देखा और मुझे वाकई में ये महसूस हुआ यहाँ की नारियों में, यहाँ की महिलाओं में एक अलग ही शक्ति है, एक अलग ही इनके अंदर ऑरा है। यहाँ पर बिकती हुई ये तलवारें इसकी साक्षी हैं। यहाँ पर बन रही हैं गर्मा गर्म बाटियाँ, एकदम गर्मा गर्म और चूल्हे की आंच पर बनती हुई ये बाटियाँ। और ये बनाई किस चीज़ से है, बेसन से या आटे से? आटे से, आटे से बनाते हैं। ये आटा गूंथा हुआ है इन्होंने और इसकी गोल गोल लोइयाँ बनाकर ये गर्म गर्म राख में सेक रही हैं। और इसके साथ क्या देते हो आप खाने में? दाल, दाल घी में तड़के देते हैं। घी में गर्म करके दाल देते, इसको गर्म गर्म घी में डाल देंगे बाटी को फिर देते हैं। और यहाँ पर लोग बाग खा रहे हैं, भीड़ हो रही है। राजस्थान की ये महक शायद फोन से आप तक पहुँच रही होगी। देखिए मैं आपको डायरेक्ट राजस्थान से दिखा रही हूँ यहाँ पर चूल्हे की आग पर बाटियाँ किस तरह बनाई जाती हैं। ओम नमः शिवाय। भक्तों, पुष्कर से मेरी यात्रा शुरू हुई है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा है, लंबी यात्रा है और अभी यात्रा पर निकले हुए 2 दिन ही हुए हैं। मुझसे जितना होगा उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए वर्षा जैन ब्लॉग, ताकि आपको भी मैं पूरी तीर्थ यात्रा करा सकूं। मेरे साथ साथ आप भी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कीजिएगा। कन्याकुमारी तक जाऊंगी, रास्ते में कोयम्बटूर, पुणा, मदुरई, चेन्नई और भी बहुत सारे राज्य, मध्य प्रदेश, उज्जैन, महाकाल, सब कुछ दिखाऊंगी आपको और नज़दीक से दिखाऊंगी। वहाँ के आसपास के शहर भी घुमाऊंगी, वहाँ का लोकल खान पान भी दिखाऊंगी और आपको इस तरह सैर कराऊंगी जैसे आप खुद ही वहाँ पर तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं। तीर्थ यात्रा करने का मज़ा तभी आता है जब आप तीर्थ यात्रा के साथ उस शहर के साथ घुल मिल जाएं, उसमें रच बस जाएं, उसमें अपने आप को ढाल लें। जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो में।